इस चैनल पे आपको बोर्ड से संबंधित सब कुछ मिलेगा, क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स और स्टडी नोट्स, हैंड नोट्स, सब कुछ, जिसकी मदद से आप इस बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ यार यहाँ पे लाल बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करो और उस बेल नोटिफिकेशन को दबाओ, जिसकी मदद से आपको मेरी आने वाली सभी फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको 30 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में जो प्रैक्टिकल आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री के, बायो के, वो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कि प्रैक्टिकल कॉपी में कैसे लिखते हैं, कि आपको फुल मार्क्स प्रैक्टिकल कॉपी में मिल जाएंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लो, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि आपकी प्रैक्टिकल कॉपी जो फ्रंट पेज होगा वो कैसा होगा और उसमें क्या क्या लिखना रहेगा। तो लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षार्थी द्वारा भरे, ये आपको भरना है। तो पहले अनुक्रमांक आपको लिखना रहेगा, अंकों में शब्दों में, पहले अनुक्रमांक लिख लेंगे, एक बार अंकों में लिखेंगे, फिर एक बार शब्दों में लिखेंगे, फिर परीक्षा का नाम, जैसे केमिस्ट्री का रहेगा तो केमिस्ट्री, फिजिक्स का फिजिक्स, बायो का बायो, फिर परीक्षा का दिन, किस दिन ये पेपर है, जैसे सैटरडे, फिर डे किस दिन है, फिर दिन तिथि आपको दोनों लिखना है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं सैटरडे 14/10/2017। तो इस तरह आपको दिन और तिथि लिखना है। फिर आपको सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है, जैसे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल आप दे रहे हैं तो केमिस्ट्री लिख देंगे। उत्तर देने का माध्यम, अगर आप हिंदी में आंसर लिखेंगे तो हिंदी लिखेंगे, और अगर आप इंग्लिश में आंसर लिखेंगे तो इंग्लिश लिख देंगे। क्लियर है? और आपको मैं बता दूं, इसमें आपको सप्लीमेंट्री कॉपी मिलती है, तो आप अगर एक से ज़्यादा कॉपी लिखते हैं तो 1+2 या फिर A+B, कुछ भी जो आपको बताएंगे जैसे लिखना है एग्जामिनर, वो आप लिख देंगे। फिर इधर आपका नंबर का रहता है, ये आपको नहीं भरना, इसमें लिखा है परीक्षार्थियों द्वारा न भरा जाए। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भरा जाता है, कि कैसे फ्रंट पेज आपका लिखता है, ये एकदम अच्छे से भरिएगा, क्योंकि कॉपी चेक होगी तो यही देखकर जो नंबर ऐड होता है आपके रोल नंबर में, अगर रोल नंबर सही रहेगा तो आपका नंबर तभी सही जगह जुड़ पाएगा। तो इसको सही से भरिएगा। अब मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल किस तरह लिखना है, तो ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दो, जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए और मनोबल मिलता रहा है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी को कैसे लिखें, तो सबसे पहले आप प्रैक्टिकल कॉपी लिखेंगे, जैसे आपका प्रयोग कोई लिखने के लिए आ गया, ठीक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एम, सबसे पहले आपका जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा एम, एम मत, एम या फिर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर लक्ष्य भी लिख सकते हैं। इसमें हम क्या लिखते हैं वो ध्यान से सुनिए। एम में हम वो लिखते हैं जो क्वेश्चन हमें करने के लिए मिलता है, कि ये प्रैक्टिकल करके दिखाइए, तो जो क्वेश्चन वो बोलेंगे वो आप डायरेक्ट एम या ऑब्जेक्ट, जो भी आप लिखते हैं तीनों में, उसमें आप लिख देंगे। क्वेश्चन सेम टू सेम जो आपको करने के लिए दिया जाएगा वही हमारा एम हो जाएगा, वही हमारा लक्ष्य हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन निकालना। क्लियर है पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा अपार्टस, मतलब उपकरण, अपार्टस, अपार्टस यूज्ड, इसमें हम लिख देंगे, इसको हिंदी में कहते हैं उपकरण। इसमें हम क्या लिखेंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी चीजें, जो भी प्रैक्टिकल करते हुए चीजें हम लोग यूज करेंगे, बस उसे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग टेस्ट ट्यूब, इसे हम परख नली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परख नली, बीकर, मतलब जो भी आप उपयोग करते वक्त जो भी चीजें आप यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उसको अपार्टस उपकरण के स्थान पर लिख देना है। जैसे बता रहा हूं वैसे लिखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। अपार्टस यूज हो गया, एम हो गया, अपार्टस यूज हो। थर्ड पॉइंट जो आपका रहेगा उस प्रैक्टिकल में वो रहेगा ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, इसमें आपको क्या पॉइंट लिखना है, मतलब जो जो आप बदलाव देख रहे हैं प्रैक्टिकल करते वक्त, आपको क्या क्या चेंजेस दिख रहा है प्रैक्टिकल में, जो जो मतलब जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो भी चेंजेस लिख रहे हैं, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उसको बस यहाँ पर लिख देना है। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं प्रैक्टिकल करते वक्त, जो ऑब्जर्वेशन आप करेंगे बस वही आपको इसमें लिख देना है। क्लियर है ऑब्जर्वेशन पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा कैलकुलेशन, कौन सा रहेगा, कैलकुलेशन, इसमें कौन सा लिखते हैं, इसमें कौन सा पॉइंट लिखेंगे,
इसमें वो पॉइंट लिखते हैं जो भी इस पॉइंट में न्यूमेरिकल रहेगा, प्लस माइनस, जैसे मोलैरिटी नॉर्मलिटी निकालने के लिए रहेगा, फिजिक्स में रहेगा, ओम्स लॉ, ये सबका जो भी मतलब जो भी कैलकुलेशन मतलब जो मैथ्स का रहेगा उसको आपको कैलकुलेशन वाले पॉइंट पर लिख देना है। क्लियर है? एम बता दिया, अपार्टस बता दिया, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, रिजल्ट। रिजल्ट में आपको क्या करना है, रिजल्ट में जो हमारा एकदम प्रैक्टिकल का रिजल्ट ना, फाइनल रिजल्ट जो लिखेगा एकदम अंतिम में कंफर्म हो जाएंगे हमारा, जैसे CO3 कार्बोनेट ही है ये जो दिया गया है, तो एकदम कंफर्म लिखेंगे आप, जो एकदम एकदम श्योर हो जाए, 100% श्योर जब आप हो जाए कि यही हमारा होगा इस प्रयोग का रिजल्ट, तो आप रिजल्ट इसको लिख देंगे, जो हमारा प्रैक्टिकल का रिजल्ट निकलेगा फाइनल उसे इसमें हम लिख देंगे रिजल्ट पॉइंट में। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा और इम्पॉर्टेंट, इसे बच्चे नहीं लिखते हैं लेकिन इस पे नंबर होता है, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मतलब होता है सावधानियां क्या बरतनी चाहिए हमें, जो प्रिकॉशन मतलब सावधानी बरतनी, सावधानी बरतना। क्लियर है? मतलब जब हम प्रिकॉशन जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करते वक्त बहुत डेंजरस होता है, केमिस्ट्री का जो लैब मैनुअल होता है वहां पे ऐसी ऐसी चीजें जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है, तो प्रिकॉशन करते हमें क्या क्या मतलब सावधानी बरतनी चाहिए, ये जो प्रयोग हम कर रहे हैं क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसमें बस सिंपले हमें इसे लिख देना है। तो प्रैक्टिकल करते वक्त जो जो हमें सावधानी बरतनी वो लिख देते हैं, जैसे प्रिकॉशन करते वक्त हम लिख सकते हैं दास्ताना पहने या जूते पहन कर आए, कुछ भी हम बहुत पॉइंट, मैं PDF में आपको लिंक दे दूंगा आप देख लीजिएगा उसमें क्या क्या प्रिकॉशन में आप लिख सकते हैं। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट आप देख लीजिए, इसको एकदम ध्यान से भरिएगा। क्लियर है? फिर ये 6 पॉइंट आपको प्रैक्टिकल एग्जाम कॉपी कोई भी प्रयोग आएगा आपको इसी तरह लिखना है, सबसे पहले एम, फिर अपार्टस यूज, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट, प्रिकॉशन। तो अगर आप इस तरह लिखते हैं तो आपको प्रैक्टिकल का 30 मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर ज्यादा जानकारी प्रैक्टिकल के नीचे पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिकल में कैसे 30 मार्क्स पाए उसके लिए एक अलग से वीडियो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, और अगर ऐसी ही वीडियोस डेली चाहते हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।